हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट फंक्शन के बारे में बताऊंगा, जो एक्सेल का काफ़ी यूज़फुल फंक्शन होता है, जो आप कभी मतलब इसकी वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल फंक्शन होता है। कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ गई तो आपको जैसे जैसे टेक्स्ट को मैच करना है तो ये काफ़ी यूज़फुल फंक्शन होता है, जिसके थ्रू आप एग्जैक्टली आप अपने टेक्स्ट को मैच कर सकते हैं और जान सकते हैं कि दोनों के दोनों एग्जैक्ट हैं कि नहीं। जैसे कि हमारे कई सिनेरियोज़ में ऐसे होता है कि हमारे पास केस सेंसिटिव वर्ड्स होते हैं, अगर हम उन्हें कंपेयर करना है तो नॉर्मली अगर हम उन्हें चेक करते हैं तो वो ट्रू ही दिखाते हैं कि ये दोनों मैच करते हैं, लेकिन कभी इसमें जैसे कैपिटल लेटर में लिखा होता है, दूसरे टेक्स्ट में स्मॉल लेटर में लिखा होता है तो वो उनको भी मैच कर लेता है, लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट फंक्शन है वो एग्जैक्टली केस सेंसिटिव होता है बेसिकली ये, तो ये एग्जैक्टली सेम मैच करता है और आपको एकदम करेक्ट आउटपुट देता है एग्जैक्टली कि बेसिकली ये वैल्यूज़ हमारी मैच कर रही हैं कि नहीं है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, तो एग्जैक्ट फंक्शन को कैसे हम लगा सकते हैं। तो आप एक डेटा मेरा यहाँ पे बनाया हुआ है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे जैसे हमारे पास ये डेटा है, डेटा सिंपली डेटा है हमारे पास। अब मुझे इन दोनों टेक्स्ट को कंपेयर करना है कि ये दोनों एग्जैक्टली लिखे हैं कि नहीं है। अगर आप देखेंगे तो दिसंबर दिसंबर तो बिल्कुल सेम है, लेकिन नवंबर में हमारा लास्ट का आर का जो हमारे पास कैरेक्टर आर वो कैपिटल लेटर में है, जनवरी में ए कैपिटल लेटर में, फरवरी में ई कैपिटल लेटर है, मार्च एग्जैक्टली सेम है, राज में ये कैप्स में है, ये स्मॉल में है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर हमें एक फंक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम एग्जैक्टली इसको इससे हम मैच कर लेते हैं। तो ये ट्रू दिखा रहे हैं, मतलब ये दोनों मैच कर रहे हैं और ये सारे के सारे हमारे ट्रू दिखाते हैं। सो लेट्स सपोज हमारा कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हमें एक हमारा टेक्स्ट है और नंबर्स हैं, हमें उन्हें एग्जैक्टली मैच करना है कि ये वैल्यू एक्यूरेट है कि नहीं है। लेट्स सपोज ये हमारे पासवर्ड के सिनेरियो में भी होता है, क्योंकि पासवर्ड के सिनेरियो में अगर हम इसी तरीके से हमारे अपर लोअर केस है तो हमारा पासवर्ड कभी भी हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हम एग्जैक्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं, बहुत ईजी फंक्शन है, तो आपको सिर्फ एग्जैक्ट को याद रखना है। इसमें सिंपली टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू का एक हमारे पास बहुत ही सिंपल मेथड है, तो टेक्स्ट वन हमारा टेक्स्ट वन ये हो गया, कॉमा लगा के हमारे टेक्स्ट टू को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ यहाँ से कंट्रोल डी से। तो आप देखेंगे कि पहला टेक्स्ट को इसने हमारा ट्रू किया है। ट्रू इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है ये वाला। दूसरे वाले में आप देखेंगे कि जो हमारा जो आर वाला है, आर हमारा कैपिटल लेटर में है और यहाँ पे हमारा स्मॉल लेटर में है, तो इसने इसे फॉल्स कर दिया है। और थर्ड वाले उसमें देखेंगे ए हमारा, ये हमारा कैपिटल में है तो इसे फॉल्स कर दिया है, फरवरी में ई कैपिटल में है तो, और मार्च में हमारा एग्जैक्टली सेम है तो इसे ट्रू किया है और यहाँ पे हमारा फॉल्स किया। तो आप देखेंगे इसमें एग्जैक्ट मैच का जो हमारे पास होता है तो उसके थ्रू हम एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसमें एक मैच का फंक्शन लगा के, नॉट मैच बट एग्जैक्टली मैच को चेक करके और जो भी हमारा केस सेंसिटिव वर्ड है उसको इग्नोर करके अगर हमारा एग्जैक्टली टेक्स्ट सेम है तो ही उसे उसके रिजल्ट को ट्रू और फॉल्स देगा। तो आप इस टेक्स्ट को जैसे कभी आपको एक वैल्यू को एग्जैक्टली मैच कराना है तो आप इस एग्जैक्ट वाले फंक्शन को यूज़ करके अपने आउटपुट देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट का फंक्शन है। तो आप आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।